हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी टू ऑल। अभी मॉर्निंग में का अभी 5:30 बज रहा, अभी मैं उठ गई हूँ। तो मैं सोची कि आज मॉर्निंग से ही अब ब्लॉग का शुरुआत कर लिया जाए। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है छठ पूजा, डे वन है आज। आज नहा खा है, तो मैं आज का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। कहाँ कहाँ मैं प्रसाद खाने जा रही हूँ वो मैं शेयर करूँगी। वैसे तो मेरी मम्मी खुद छठ पूजा करने वाली थी, लेकिन मम्मी का गाय बच्चा दिया था और बच्चा मर गया। और गाय का भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, गाय खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, करीब एक हफ्ता हो गया। तो मम्मी का मूड ऑफ हुआ है उसी के वजह से। तो पापा मना कर दिए कि इस साल नहीं करो, तो इसीलिए इस साल नहीं कर रही है मेरी मम्मा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को टिल एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं दौड़ के छत पे आई हूँ क्योंकि मम्मी कार्तिक स्नान कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, कार्तिक में ना सूर्य उदय होने से पहले तुलसी पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी तुलसी पूजा कर रही है, उनको प्रसाद चढ़ा रही है और दीप वगैरह दिखाएगी, हुमाज जलाएगी। और पापा भी करते हैं, तो यहाँ पे मॉर्निंग में एक दिया दिखाना होता है और शाम में एक दिया दिखाना होता है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। और कार्तिक नहाने का बहुत मतलब कि वो है, उसमें खाने पीने का बहुत परहेज किया जाता है। लहसुन प्याज अभी मम्मी के यहाँ नहीं पड़ रहा है, तो और बैंगन वगैरह नहीं खाना होता है, लाल मिर्च वगैरह नहीं खाने होते हैं, मसूर का दाल नहीं खाना होता है। तो मम्मी पापा दोनों स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी आ गई है पूजा करने के लिए, पापा पीछे से आ रहे हैं पूजा करने। एंड यहाँ पे जो देख रहे हो ना पेड़, ये है आकाश का पेड़ बोला जाता है। और कार्तिक में ना इसका फ्लावर जो होता है ना वाइट वाइट, उसका उसको पकौड़ा वगैरह खाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए चाचा तोड़ रहा है और श्रेयांशी को ब्रश करवा दी। और आज खाने बन रहा है आलू बैंगन की सब्जी, जो मम्मी नहीं खाएगी, हम लोगों के लिए सिर्फ बन रहा था। और यही है आकाश का फूल, इसी का पकौड़ी बनाया जाता है। और सावन में कार्तिक में ज़रूर ही खाना होता है, अच्छा माना जाता है, तो इसलिए तोड़ा गया था। एंड उसके बाद ये देखिए, किराना दुकान है पापा का, तो यहाँ पे टंटन बिस्किट मांग रही थी, तो उसी को मैं दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं भी एक कुकीज़ खा रही हूँ। बचपन से मतलब खाने का आदत है, घर का दुकान था ना, तो हमेशा मतलब खाते पीते रही हूँ बचपन से, इसलिए दांत भी मेरा ख़राब हो गया, बहुत मीठा खाई हूँ बचपन से दुकान का टॉफ़ी। एंड उसके बाद यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे बच्चे लोग भी रेडी हो गए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेडी हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हो टंटन आ गई है, गुनगुन आ गई है, श्रेयांशी सब रेडी हो गए, और हम सब मिल के जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। एंड उसके बाद कुछ फ़ोटो वगैरह ली हूँ, सेल्फी वगैरह, और हम लोग घर से निकल गए हैं प्रसाद खाने। ओरियो रियो क्या जी नाम है? ब्रूटो। ब्रूटो ओरियो कह रहे हैं। ओरियो ओरियो भी किसी का नाम है, कोई कुत्ता के ना। तुम भी खा रहे हैं प्रसाद? तुम भी खा रहे? एंड यहाँ पर हम लोग प्रसाद खाने बैठ गए हैं, भैया भाभी मैं हूँ, श्रेयांशी, गुनगुन, टंटन, और उधर भी भैया बैठे हुए हैं, और हम लोग प्रसाद खाएंगे अभी। देख सकते हो प्लेट हमारा लग चुका है। और आज के प्रसाद में होते हैं चावल, चना का दाल होता है, कद्दू का सब्जी होता है, कद्दू का पकौड़ी होता है और चना का पकौड़ी होता है। और यहाँ पे आलू गोभी का सब्जी था, घी वगैरह था, और हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। बहुत ही यम्मी प्रसाद लगता है छठ पूजा का, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे जीजू भाई लोग और खड़े थे, चाची भी उधर हैं। और लास्ट में हम लोगों को मिला था दही और चीनी। एंड उधर बच्चे लोग भी अच्छे से खा रहे हैं, श्रेयांशी को तो ऐसे भी चावल दाल फेवरेट है और वो अच्छे से मज़े से खा रही है, और दही वगैरह भी अच्छे से खाई है। एंड उसके बाद हम लोगों ने खूब सारे फ़ोटो खिंचवाए, क्लिक करवाए। यहाँ पे ये मेरी फुआ है, और अभी फ़ोटो टाइम है, दीदी लोग आई हुई थी, जीजू लोग थे, तो सब मिल के फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और ये घर जो दिख रहा है ना, यहाँ मतलब हम लोग बचपन में मैं यहीं पर रही हूँ,
और बहुत मतलब कि 2003 में शायद हम लोग इधर हुआ था, बंटवारा हो गया था तो हम लोग इधर आ गए, तो इस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई है हम लोगों को। मतलब बचपन हम मेरा यहीं पे बीता है, मेरा भैया का सब लोगों का। पीछे जो देख रहे हो ना दादा आ रहे हैं पैदल जो आ रहे थे, और इधर दीदी भाभी भाई लोग सब मिल के निकल गए हैं, और यहाँ पे मैं अपने घर के लिए आ रही हूँ। और बीच में लक्ष्मी जी बैठी हुई है ना, तो भाभी देख ही नहीं थी, तो फिर मैं वापस उनको लक्ष्मी जी दिखाने चली गई। तो देख सकते हो कितना प्यारा लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, रिद्धि सिद्धि, और एक लेडीज़ पूजा भी कर रही थी, और छठ पूजा में शायद छठी मैया भी बैठते हैं। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह लिया, फिर वहाँ से हम लोग वापस निकल गए घर के लिए, क्योंकि नानी के यहाँ भी जाना था। मामी कॉल करके बुलाई थी प्रसाद खाने के लिए। यह देखिए हमारा घर, हम लोग घर पहुँच गए हैं। और ये दो दुकान जो नीचे का ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये छोटे वाले चाचा का है, और पीला वाला जो घर दिख रहा है ना येलो कलर का, नीचे दो दुकान और ऊपर, ये मतलब मेरे पापा का है। तो यहीं पर दोनों भाई का डिवाइस किया हुआ है, ग्रीन वाला चाचा का है और इधर वाला येलो वाला जो दिख रहा है ये मेरे पापा का है, और दोनों सेम तरीके से बना हुआ है। एंड उसके बाद घर आने के बाद हम लोग निकल गए थे नानी के यहाँ। मम्मी जा रही है, मैं हूँ, भाभी और श्रेयांसी, गुनगुन, टंटन और छोटू भैया मेरे, वो सब मिल के हम लोग चले गए हैं नानी के यहाँ। बहुत दिन के बाद ही मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ। तो नानी के घर पहुँची थी तो वहाँ पे प्रसाद बन ही रहे थे, तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ से, मामी से मिले। और ये जो मामा मामी है ना, मेरे बड़े वाले मामा मामी हैं, और ये लोग भी रांची में ही रहते हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ रांची में, बगल में ही पड़ता है, तो वहाँ से यहाँ मतलब कि बिहार आए हुए हैं अपने घर पे छठ पूजा करने। तो देख सकते हो यहाँ पे कद्दू वगैरह का बचका बन रहा है पकौड़ी, और मम्मी आकाश का फूल लाई थी तो उसी को तोड़ के दे रही है पकौड़ी बनाने के लिए। एंड ऊपर देखिए गेहूँ और चावल ऊपर सुखाया जा रहा है। ये मेरी मम्मी का फूआ है नानी लगे, और ये मेरे मामा हैं बड़े वाले जो मतलब सुखा रहे। चुनना पड़ता है ना एक एक, मतलब दाना वो नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना, टूटा तो चलता है, वो बिझा हुआ नहीं होना चाहिए, तो देख के करना पड़ता है। तो ये रहा मेरे नानी घर का व्यू, थोड़ा मैं दिखा दी घूम घाम के। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रसाद वगैरह भी बांटी जाके दो तीन घर। एंड यहाँ पे गुनगुन, टंटन और श्रेयांसी मामा लोग खाना खा रहे, और भी लोग खाना खा के चले गए, और पेट तो भरा हुआ था वहाँ से खा के आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर खाई थी। एंड उसके बाद मैं नानी के घर जा रही हूँ, जैसे मतलब कि मेन नानी का जो घर था ना पहले वाला पुराना वाला, वो यही है। और यहाँ जो मामा मामी रहते हैं वो अभी यहाँ नहीं रहते हैं, पटना में रहते हैं, तो कुछ इस तरीके का नीचे का है। एंड ऊपर देखिए अभी यहाँ पे मामा मामी आए हुए हैं, छठ पूजा था इसीलिए दिवाली में आए हुए थे, और बच्चे लोग यहाँ खेल रहे हैं। एंड वहाँ पे मामी लोग से बात करने लगी, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2:30 बज गया निकलते निकलते, तो 2:30 बजे वहाँ से निकली, और फिर बड़े मामा मामी के पास निकलने में 3 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं गली से निकल रही हूँ, गांव का गली कुछ इसी तरीके का होता है, फिर निकल के आ गई घर। अभी का टाइम 3:30 हो रहा है, अभी जस्ट घर पे आए हैं प्रसाद वगैरह खा के। पहले तो चाची के यहाँ प्रसाद खाने गई थी, उसके बाद नानी के घर गई थी, तो वहाँ लेट हो गया, अभी 3:30 बज गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा करना चाहिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।